हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवस्थी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट। मैग्नीशियम बर्न विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलो देखते हैं आज क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, जिसको अपने मैग्नीशियम रिबन से काटा है। स्पैचुला है एंड दिस इज पेट्री डिश और वॉच ग्लास। ये अपने पास पेयर ऑफ टोंग है एंड डिस्टिल वाटर है एंड दिस इज़ कॉल्ड बुनसन बर्नर, राइट। मेटल्स जो है मैग्नीशियम इजीली कट हो जाता है, इजीली टूट जाता है इससे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं कि मैग्नीशियम को अगर बर्न करें अगर ऑक्सीजन के साथ में तो क्या रिएक्शंस होगी। ये मैग्नीशियम रिबन को अपन बर्न करते हैं, बहुत ही तेज़ वाइट फ्लेम के साथ में बर्न होगा। इसको देखना भी बड़ा मुश्किल है। ये देखिए वाइट कलर की फ्यूम निकल रही है, जिसको देखना एक तरह से आँखों से पॉसिबल नहीं है। वाइट डेंस फ्यूम और ये जो वाइट पाउडर बना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने के बाद में, ये नथिंग बट दिस इज़ ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर, जिसको अपन एक वॉच ग्लास में कलेक्ट किया है। ये हमने वाइट पाउडर कलेक्ट कर लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इसमें चेक करते हैं कि ये बेसिक नेचर का है एसिडिक नेचर का। मेरे पास दो लिटमस पेपर हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो उससे पहले हम लोग इसमें कुछ एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालेंगे और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए चेक करते हैं रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर से। पहले अपन ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखते हैं। तो हमने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया है और रेड लिटमस पेपर लिया है। तो पहले हम ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करके देखते हैं कि ये कलर चेंज होता है या फिर नहीं होता है। ब्लू लिटमस पेपर रिमेंस अनचेंज, दैट मीन्स ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही है, तो कोई चेंजेस नहीं आया है। चलिए रेड लिटमस पेपर को अब अपन लगा के देखते हैं, डिप करके देखते हैं। यस, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। तो जैसे रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू का, इसका मतलब यह है चला हमें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए बेसिक नेचर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो।